जुट है एवरीबडी, टुडे आई एम गोइंग टू मेक पपाया सैलेड। और पपाया सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए पपाया, बादाम, टमाटो, नींबू, बीन्स, मिर्च, लहसुन, फिश सॉस, सोया सॉस, ऑलिव ऑयल और विनेगर। और आज हमारे साथ किचन में है प्राइम और फ्रूटी। प्राइम हेलो बोलो इधर आके, इधर। ओके, सो प्राइम इज़ वेरी नोटोरियस, ही इज़ 3 years old, सो ही विल बी स्टेइंग विद मी इन द किचन टुडे। तो हमें टाइम लगेगा थोड़ा पपाया को काटने में। चलो काटना शुरू करते हैं। और ये जो पपाया है ये हमने फ्रंट यार्ड से ही तोड़ा है। जस्ट मेरे फ्रंट यार्ड में बहुत, भगवान ने हमें इस बार बहुत हेल्दी प्लम पपायास दिया है, सो थैंक यू। सो आप लोग अपने स्टाइल में पपाया सैलड कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा मेरा वीडियो देखने के बाद। आई थिंक माई लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड पपाया फॉर द पास्ट फ्यू डेज। थोड़े दिन पहले पपीता का खार बनाया, ओमिता खार बनाया, एंड टुडे सोमताम। एक्चुअली मैंने डायरी में लिख रखा था ये भी बनाना है कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसको या प्राइम, दिस इज प्राइम, ही वॉज वेरी फास्ट। फ्रूटी आओ, चले के चला गया, ले दे, देखो 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 ले गया। और सबसे ज़्यादा टाइम इस सैलड बनाने में, इसको ग्रेट करने में लगता है, जो मैंने कर दिया है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। और अब इसमें डलेगा मिर्च सबसे पहले। जब इसको आप कूटोगे पिस्टल से, स्टे अवे, आई लर्न द हार्ड वे, सो लिसन टू माई एडवाइस। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप इसमें किंग चिली भी दे सकते हैं, जो मैं नहीं दूंगी अभी। तो अभी इसमें डलेगा लहसुन, बादाम, और अब इसमें इस बीन्स को आप ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं, जो भी साइज आपको, जो साइज चाहिए। कूटना मतलब थोड़ा मिक्स करना है। अगर आपके पास चेरी टोमेटोस है वो भी आप डाल सकते हैं, इसको भी डाल दे। तो अभी मैं डालूंगी फिश सॉस, बट इफ यू डोंट हैव फिश सॉस आप नमक डाल सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सोया सॉस, पाओ चोंग, पता नहीं कहाँ बनता है ये, जस्ट यूजिंग इट, जो मिला मुझे मैंने मार्केट से ले लिया। थोड़ा सा सोया सॉस, दो ढक्कन मैंने डाला है। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, डाल दो इसमें 2 स्पून। तो अभी हम इसमें ये नींबू निचोड़ेंगे। ओ वाह। और अगर आपके पास नींबू नहीं है आप इमली भी डाल सकते हैं, इमली का पानी। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम खाया था इन द ईयर 2017, माई माइंड वॉज ब्लोन। और लास्ट में थोड़ा विनेगर। सो आपका सैलड 95% तैयार है। तो अब इसमें हम डालेंगे पपाया। थोड़ा डाल देंगे फिर उसके बाद, और जो बच गया मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मेरा मोटर छोटा पड़ गया। इसको मैं कल सुबह पपाया का कुछ पकौड़े बना दूंगी। ये एक बार लास्ट मिक्स कर लेते हैं। धनिया है तो आप धनिया डाल सकते हैं, आपके पास फ्राइड प्रॉन्स है आप फ्राइड प्रॉन डाल सकते हैं, आपके पास चिकन चंक्स है आप चिकन डाल सकते हैं, स्मोक पॉर्क है स्मोक पॉर्क डाल सकते हैं। वाव, मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। एंड मेरे लिए तो क्या लगता है पता है, ये वाला रेसिपी इज़ द बेस्ट चखना, इट्स अ विनर। तो चलो मेरा सोमताम, मेरा पपाया सैलड इज रेडी, लेट्स टेस्ट इट। चीयर्स। टू गुड। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।